नमस्कार है न्यूज देख रही हैं आप, मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में अगले चार दिन तक एक्टिव रहेगा मॉनसून। चंडीगढ़ के मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अगले चार दिन तक एक्टिव रहेगा मॉनसून। बता दें कि 22 जुलाई तक गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। सभी 22 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि घग्गर नदी और यमुना का पानी 557 गांवों में घुसा है और 12 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। यानी कि अब आप ये देखिए कि अगले चार दिन तक एक्टिव रहेगा मॉनसून। चंडीगढ़ के मौसम विभाग ने जानकारी दी है और तस्वीरें भी कुछ साझा कर रहे हैं हम आप तक। अब ये तस्वीरें देखिए, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गोहाना, सिरसा, हिसार, तमाम तस्वीरें देखिए। अब यहां पर तस्वीरों को देखने के बाद अब यहां पर हालात भी जरा आप देख लीजिए, क्योंकि हालात जो है वो बाढ़ के चलते बिल्कुल खराब हो गए हैं। बात करें फतेहाबाद की, क्योंकि फतेहाबाद के रतिया गांव में तो जिस तरह से हालात जो है वो बिल्कुल खराब हो गए हैं। हालांकि किसानों की जो फसल है वो बिल्कुल खराब हो गई है। हालांकि हर कोई जानता है कि धान की रोपाई का सीजन चल रहा था, लेकिन फसल डूब जाने के चलते किसानों की फसल खराब हो गई है। इधर गोहाना में भी इसी तरह की तस्वीरें नजर आई हैं। हरियाणा में हाहाकार है, 12 जिले, 1362 गांव हैं। तो देखिए, पानी का जो प्रहार है उसके चलते हाहाकार मचा हुआ है। अब तक 35 लोगों की जान जा चुकी है, 5 घायल हो गए हैं और 2 लोग ऐसे हैं जो लापता हैं। 615 मकान क्षतिग्रस्त हैं, 125 मकान ध्वस्त कर दिए गए हैं। और इधर देखिए, यहाँ पर कृषि भूमि जो है वो जलमग्न हो गई है। 1,73,138 के करीब 6,629 रेस्क्यू किए गए हैं, 41 कैंप लगाए गए हैं। पानी का जो प्रहार है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चपेट में 12 जिले हैं, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद। तो बाढ़ की चपेट में कौन कौन से 12 जिले हैं इसका यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं। सिरसा, पलवल, फरीदाबाद, पंचकुला, ये ऐसे जिले हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। तो अगले चार दिन तक एक्टिव रहेगा मॉनसून। अब खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ परथला से मेरे सहयोगी धीरज कौशिक जुड़ गए हैं। धीरज, फिलहाल क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अगले चार दिन तक इसी तरह से मॉनसून एक्टिव रहेगा और अब हरियाणा में बाढ़ जैसे हालात हैं। क्या है तस्वीरें, क्या है हालात, क्या कोई राहत के आसार नजर आ रहे हैं धीरज? बिल्कुल साधना, जैसे कि अब मौसम विभाग की तरफ से मॉनसून के दोबारा एक्टिव होने की जो खबरें हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को दोबारा से बेचैन करती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से अभी यमुना नदी का तांडव यहाँ फरीदाबाद की परथला विधानसभा में देखने को मिला, 5-6 गांव ऐसे हैं जहां से लोगों को रेस्क्यू किया गया, लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा और कहीं ना कहीं अब जो जल स्तर है वो कम होता हुआ नजर आया। लेकिन अब दोबारा से चार दिन का जो मानसून है वो उससे कहीं ना कहीं जो किसान है, जो लोग हैं, लगातार परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों की कनेक्टिविटी भी यहाँ परथला विधानसभा में टूट चुकी थी, लोगों का एक गांव से दूसरे गांव में जाना भी निषेध हो गया था, लेकिन प्रशासन की जो अमले हैं वो यहाँ पर लगे हुए और कहीं ना कहीं उन रास्तों को जो है दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी को बहाल करने में लगे हुए हैं। लेकिन अब जैसे ही लोगों को पता चला है कि दोबारा से चार दिन जो अलर्ट जारी है उसमें कहीं ना कहीं फिर से जो पानी की मात्रा वो बढ़ सकती है, तो किसानों की और जो आमजन है, जो लोग हैं, उनकी दोबारा से यहां पर चिंता बढ़ती हुई नजर आती है। जिस तरह से जो फसल है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है और फसल के साथ साथ किसानों के जो ट्यूबवेल थे, उनके जो बोरवेल हैं, वो सभी बैठ चुके हैं, सारे बोरवेल खराब हो चुके हैं। हालांकि सरकार की तरफ से उचित मुआवजे की लगातार यहां पर जो गुहार है वो लगातार दी जा रही है। किसान कहीं ना कहीं अब तक थोड़ा सा जो अपनी फसल नुकसान था उसमें जो है परेशानी से थोड़ा सा उभर कर ही निकला था कि किस तरह से अब धान की फसलें पानी निकलने के बाद थोड़ी दिखने लगी थी, लेकिन अब मानसून के चलते फिर से एक जो चिंता की जो लकीर है वो लगातार किसानों के चेहरे पर देखती हुई नजर आ रही है। जी साधना जी, बिल्कुल धीरज, बात करें किसानों की तो हालांकि आपने जिक्र भी किया है और आप उस जगह पर मौजूद भी हैं। फिलहाल किसान क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि किसानों की वो जो फसल है, धान की रोपाई का सीजन चल रहा था हर कोई जानता है, तो उनकी जो फसल है वो बिल्कुल डूब चुकी है। क्या कोई प्रबंध किया गया है प्रशासन की तरफ से, प्रशासन का कोई नुमाइंदा आया हो, कोई यहाँ पर प्रबंध किया गया हो, कोई राहत दिखाई दी हो किसानों को?
जी बिल्कुल साधना जी, जिस तरह से जो यमुना नदी का जो जनसैलाब है वो लोगों पर कहर बरकर बरपा था, तो कहीं ना कहीं हम बात करें कि फरीदाबाद के जो कैबिनेट मंत्री हैं और एमपी हैं कृष्णपाल गुर्जर, उन्होंने भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया था, उसमें मौजूद वो रहे थे, लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और स्थानीय विधायक नैनपाल रावत ने भी लोगों का हालचाल लिया, लेकिन स्थिति जो है वो इतनी बेहतर होती हुई नजर नहीं आई। जिस तरह से अब पानी पीछे से कम होने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से लोगों को ऐसी खासी जो मदद है वो मिलती हुई नजर नहीं आई। थोड़ा बहुत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था, लेकिन इन गांवों की पिछले कई दिनों से बिजली कटी हुई है, रास्ते की कनेक्टिविटी नहीं है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब प्रशासन सचेत हुआ है। अब जो सड़कें हैं उनको दुरुस्त करने की कवायद यहां पर जारी है, लेकिन जिस तरह से अब दोबारा से मानसून आने की जो बात है, अगर पीछे से दोबारा और पानी का जो बहाव है वो बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं जिन रास्तों को अब दुरुस्त किया जा रहा है उनके दोबारा कटने और जो कनेक्टिविटी वो दोबारा खराब होने के जो हालात है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल धीरज, आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे साथ मुकुल भी जुड़ गए हैं। मुकुल, आप क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि देखिए अगले 4 दिन तक मानसून इसी तरह से एक्टिव रहने वाला है, बाढ़ जैसे हालात है प्रदेश में, हालांकि तमाम जिलों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, कोई राहत और बचाव का कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए 22 तारीख तक जो है येलो अलर्ट जारी कर दिया है पूरे प्रदेश में, जो है बारिश की जो है भारी संभावना जो है मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। लेकिन पिछले दिनों जो हमने देखा गया था कि काफी क्षेत्रों में जो है बाढ़ जैसे हालात थे, किसान काफी ज्यादा परेशान थे, किसानों की जो फसल है वो जो है काफी ज्यादा बर्बाद हो गई थी। एक बार फिर से जो है हालांकि पिछले 3 से 4 दिन से देखा गया था कि हल्की राहत जरूर मिली थी, तेज धूप जरूर देखने को मिली थी, ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर जो है खुशी देखने को मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर से जो है 4 दिन के लिए जो है मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। 22 तारीख तक जो है भारी बारिश की एक बार फिर से जो है संभावना, ऐसे में कहीं ना कहीं जो किसान है उनके मन में जो है कहीं ना कहीं डर जरूर है, क्योंकि देखा गया था पहले भी जो है एक बार फसल जो उनकी खराब हो चुकी है, अब जब फिर से जो है कहीं ना कहीं धूप के चलते वो पहले की तरह वापस अपने लेवल पर आ रही थी, लेकिन एक बार फिर से अगर बारिश आएगी तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए बुरी खबर हो सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए अब आपने जिक्र किया है कि यहाँ पर किसान बेहद परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि धान की रोपाई का सीजन चल रहा था और तमाम किसान जिनकी मेहनत पर पानी भी फिर गया है, अब किसान का क्या कुछ कहना है, क्या कोई मांग है, क्योंकि सरकार से लगातार किसान मुआवजे की मांग भी कर रहा है, क्या कुछ कहना है तमाम किसानों का? जी बिल्कुल, देखिए काफी फसल जो है वो खराब हो चुकी है किसानों की, ऐसे में जो है लगातार किसान प्रशासन के पास जा रहे हैं, तमाम जो विधायक है एरिया के उनके पास जा रहे हैं, हालांकि हरविंदर कल्याण विधायक है गरुंडा के, वो जो है लगातार फील्ड में भी है, वो किसानों से मिल भी रहे हैं और ऐसे में जो है कह रहे कि किसानों की बात जो आगे सरकार तक पहुंचाएंगे ताकि कुछ मुआवजा जो है वो किसानों को मिल सके, ऐसे में जो है उनको जो है आश्वासन जरूर दिया गया, लेकिन अगर एक बार फिर से बारिश आएगी तो कहीं ना कहीं ज्यादा नुकसान जो है वो किसानों का जरूर देखने को मिलेगा, ऐसे में जो है किसान भी लगातार अपील कर रहे हैं कि सरकार जिसमें कुछ उनकी मदद जरूर कर पाए। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब हालात जो है वो बिल्कुल खराब हो गए हैं। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, बहुत स्वागत आपका। जी, क्योंकि प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात हैं और मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि अगले 4 दिन तक एक्टिव रहेगा मॉनसून, अब आपके बुलेटिन के जरिए आप क्या बताना चाहते हैं कि क्या फिलहाल मौसम रहने वाला है, अब आगे बारिश होने की किस तरह की संभावना नजर आ रही है? बिल्कुल सही बात है, देखिए पीछे भी जो बारिश या मानसून की गतिविधियां रही, जब उससे ज्यादा बारिश हुई तो इसकी वजह से जो पर्वतों पर जल प्रलय हुई और मैदानी क्षेत्रों पर जो पहाड़ों का जो पानी था वो नीचे आ गया, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और बाढ़ आई हुई है, आने वाले दिनों में उसी प्रकार की फिर से कंडीशन बन रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक लो प्रेशर एरिया बन गया है जो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान वो मैदानी क्षेत्रों की तरफ रुख करेगा, साथ में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय हो गया है, जब दोनों का कनेक्ट होगा तो उसकी वजह से उसी प्रकार की फिर से परिस्थितियां देखने को मिलेंगी, पर्वतीय क्षेत्रों पर भारी से अति भारी बारिश होगी और मैदानी क्षेत्रों पर भी काफी जगह मूसलाधार बारिश की स्थितियां देखने को मिलेंगी, तो उसी प्रकार की फिर से स्थितियां देखने को मिलेंगी। कहने का अभिप्राय ये है कि जो पहले हालात बने थे उससे ज्यादा हालात खराब होने की संभावनाएं बन रही है।
तो पहले जो हालात हैं, बाढ़ जैसे हालात हैं, क्या उससे ज्यादा हालात खराब हो सकते हैं? क्या हरियाणा में भी इसी तरह की तस्वीरें नजर आएंगी? क्योंकि अभी तो तमाम जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। जी, मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही 4 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब आने वाले दिनों में जो हमारे उत्तरी जो जिले हैं उन पर भारी से अति भारी बारिश देखने को मिलेगी और मध्य और दक्षिणी हिस्सों में भी सामान्य बारिश की परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार की जब बारिश, जब एकदम ज्यादा बारिश हो जाती है, अगर हम पिछले आंकड़े देखते हैं उन दिनों में डबल से ज्यादा बारिश हो गई थी, तो अगर फिर ज्यादा बारिश होती है तो वो स्थिति जो बाढ़ की स्थिति बनी है उससे भी खराब स्थिति बनने की संभावनाएं हैं। तो क्या जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, आपने भी जिक्र किया है कि इससे भी ज्यादा हालात जो है वो खराब हो सकते हैं, जिस तरह से आप अपना बुलेटिन जारी करते हैं, बुलेटिन अगर आप डेली रूटीन का जारी कर रहे हैं, तो क्या उसका जो असर है वो किसानों की फसल पर भी नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए किसानों की फसल पर अगर जरूरत से ज्यादा जब बारिश हो जाती है तो उससे उनकी फसलें खराब होने के कगार पर रहती हैं, और शहरों में हालात उससे अपोजिट हो जाते हैं। जो सड़कें हैं वो नहरें बन जाती हैं, तो दोनों जगह यानी आम जन और किसान दोनों परेशान होने की पूरी संभावनाएं। बिल्कुल डॉक्टर चंद्रमोहन जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो डेली रूटीन में आप सुबह बुलेटिन जारी करते हैं वो किस प्रकार से जारी करते हैं, क्या रहता है पूरा प्रोसेस? देखिए, जो मानसून जो गतिविधियां होती है उसमें सबसे प्रमुख जो हाथ होता है वो मौसम प्रणाली, जिसमें हम मानसून ट्रफ बोलते हैं, मानसून ट्रफ ऊपर नीचे होती रहती है। अगर वो अपनी सामान्य स्थिति पर आ जाती है, तो सामान्य स्थिति का मतलब हमारे हरियाणा के हिसार और नारनौल से होकर गुजरती है, तो उस दौरान बारिश की संभावनाएं 100% हो जाती हैं। साथ में अगर इस दौरान वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी सक्रिय हो जाते हैं तो उससे वो स्थिति और ज्यादा प्रबल हो जाती है। तो इस प्रकार की जो स्थितियां जब बनती हैं तो मानसून जो गतिविधियां उनको शक्ति प्रदान होती है, वो ज्यादा सक्रिय हो जाती है, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां ज्यादा होती हैं। बिल्कुल, कि बारिश की गतिविधियां तो नजर भी आ रही हैं। बात करें तो आपने जानकारी दी है जिस तरह से कि 4 दिन गरज और चमक के साथ बरसात हो सकती है, तो ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां तेज बरसात हो सकती है और जहां पर नॉर्मल बरसात भी हो सकती है, और हालात किस किस जिले में खराब होते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, देखिए ऊपर जो हमारे पर जो पंजाब से सटा हुआ है जो हिस्सा है, जिसमें पंचकुला है, या जो हमारे जो नॉर्दर्न जो पास वाले जो जिले हैं जिसमें पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, इन जिलों में ज्यादा बारिश होने की संभावनाएं हैं। जबकि उससे नीचे वाले जो जिले हैं उनमें मतलब मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, मुकुल आप भी जुड़े हुए हैं, धीरज आप भी जुड़े हुए हैं। धीरज, आपका रुख करना चाहूंगी मैं सबसे पहले, क्योंकि देखिए हालात जो है वो खराब है, और जिस तरह से डॉक्टर चंद्रमोहन जी ने भी बताया है कि अगले 4 दिन तक एक्टिव रहेगा मॉनसून, तो अब आगे क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से प्रबंध किया गया है, क्या किसानों को कुछ राहत मिल पाएगी आगे? जी साधना, प्रशासन की तरफ से अभी जो मौसम विभाग के अलर्ट के चलते कोई ऐसा प्रबंध यहाँ पर नहीं किया गया है, लेकिन जो हालात हैं उन हालातों पर, जो खराब हुए हालात हैं उन पर लगातार काबू करने की कोशिश यहाँ पर प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन किसान जो है कहीं ना कहीं अपना मन महसूस कर शांतिपूर्वक थोड़ा तसल्ली देकर अब बैठा हुआ था कि कहीं ना कहीं अब जो पानी है वो घट चुका है, तो अब दोबारा से जिन खेतों में धानों की फसल खराब हो गई थी उनको दोबारा से रोपाई करने के लिए, दोबारा से उन्हें तैयार करने की जो अपनी रणनीति है उसको बनाकर बैठा हुआ था। लेकिन अब जिस तरह से येलो अलर्ट चला हुआ है तो कहीं ना कहीं अब किसान और ज्यादा चिंतित होकर अभी शांत है, क्योंकि एक बार उनको ठोकर लग चुकी है धानों की रोपाई होने के बाद, वो अपना पैसा लगा चुके हैं, कहीं ना कहीं वो पैसा उनका पानी में बह जा चुका है, तो वो अब रिस्क नहीं लेना चाहते। अलर्ट के बाद कहीं ना कहीं जो किसान है वो दोबारा से अपनी रोपाई के बारे में सोचने का जो विचार है वो करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल धीरज, क्योंकि देखिए किसानों के खेतों में 4 से 5 फुट का जो पानी है वो फिलहाल अभी भी है,
और तमाम किसान जो अपनी फसल को बीज चुके थे, और देखिए क्योंकि रुपाई का सीजन चल रहा था और हालात बिल्कुल खराब हो गए थे, तो अब ऐसे में जिस तरह से डॉक्टर चंद्रमोहन ने भी बताया है कि हालात जो हैं वो अब और भी खराब हो सकते हैं, यानी कि बाढ़ की स्थिति तो अभी फिलहाल है ही, अब इससे ज्यादा जो हालात है वो स्थिति है वो खराब हो सकती है, तो अब प्रशासन की तरफ से क्या कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा, कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, बता दूं जिस तरह से जो हालात मानसून में खराब होते हैं उसके लिए अभी तक प्रशासन ने कोई भी इस तरह के हमले इस्तेमाल नहीं किए हैं। जिस तरह से गांव की बात करें या फिर शहरों की बात करें, जलभराव की स्थिति लगातार बन जाती है, उसके लिए अभी कोई ऐसा प्रबंध नहीं किया गया है। जो है सिर्फ दावे किए जाते हैं कि मानसून से पहले दावे होते हैं, और इनके जो नाले नालियां हैं उनकी सफाई उचित समय पर ना होने की वजह से कहीं ना कहीं जलमग्न शहर और जो ग्रामीण इलाके हैं वो नजर आते हैं। लेकिन इनमें जो पिसते हैं वो ग्रामीण और जो शहर के निवासी हैं, आम जो लोग हैं वो पिसते हुए नजर आते हैं, और लगातार मानसून के अलर्ट के चलते इनकी चिंताएं लगातार बढ़ती जाती हैं। जिस तरह से अभी हालात आप सब सबके सामने रूबरू है, सबने देखा है किस तरह से इस त्रासदी ने बड़े बड़े मकान धराशायी इसमें हो गए, बड़े बड़े जो जो खेतों की फसल है वो धराशायी हो गई, लोगों के जो ट्यूबवेल हैं वो खराब हो गए, क्योंकि जो सरकार है वो उतना मुआवजा नहीं दे पाएगी जितना किसानों का नुकसान हुआ है। तो उसके लिए भी किसान चिंतित हैं कि आखिर जो सरकार है वो कितना मुआवजा उनको देगी, क्योंकि भरपाई उनकी किसानों की होती हुई नजर नहीं आ पाएगी। जो किसान है, किसानों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने तब भी बताया कि जिस तरह से पहले भी ये बाढ़ के आसार बने थे तो उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार द्वारा सिर्फ मुआवजे के तौर पर खाना पूर्ति करते हुए नजर आए थे, लेकिन अब उम्मीद है कि कम से कम उनकी लागत निकल कर आ जाए। इसी उम्मीद पर किसान जो है वो अपने खेतों की तरफ जो उदासी का चेहरा करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल धीरज, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि करनाल से हमारे सहयोगी मुकुल भी लगातार जुड़े हुए हैं। मुकुल, बाढ़ का पानी जो है वो लगातार शहरों तक पहुंचता हुआ नजर भी आ रहा है, क्या करनाल में भी इसी तरह की तस्वीरें नजर आई है? अगर इसी तरह की आपने तस्वीरें देखी है तो क्या लोगों तक कुछ खाने की सुविधाएं हो या फिर उन तक जो जरूरी सामान है वो पहुंचाने के लिए कोई यहाँ पर मेहनत की जा रही है, कोई यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है, कोई प्रबंध किया गया हो? जी बिल्कुल, देखिए अगर करनाल की बात करें, करनाल के साथ जो है ऐसे कई गांव हैं जहां पर जो है यमुना लगती है, यमुना नदी लगती है, वहां पर जो है काफी गांव इसके जो है प्रभावित हुए हैं, और वहां पर जो है काफी दिक्कतों का भी जो है लोगों को सामना करना पड़ा था। वहां पर जो है खाने पीने की सामग्री जो उनकी सारी खराब हो गई थी, और ऐसे में जो है तमाम संस्थाएं हैं, रेडक्रॉस सोसाइटी है, वो जो है मिलकर एक साथ जो है मदद कर रही है। वहां पर जो है यहाँ से करनाल से जाता है सामान, वहां पर जो है लोगों को सूखा राशन दिया जाता है, खाने के लिए जो है बिस्किट, नमकीन या ड्राई जो मिल्क होता है वो जो उन तक पहुंचाया जाता है, ताकि उनका जो है कुछ जीवन जो है पहले की तरह व्यतीत कर सके, उनको जो है कुछ खाने पीने का जो है सामग्री उन तक पहुंच सके। लेकिन अगर एक बार फिर से ऐसे हालात होते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी हमें लगता है कि फिर से जो है वो आम लोगों को होने वाली है। जी बिल्कुल मुकुल, मुकुल एक बात बताइए, क्योंकि देखिए लोग जो है वो अपने ही घर से बेघर हो गए हैं, बाढ़ का पानी जो है वो उनके घरों तक भी पहुंच गया है, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, स्थिति आप देख भी पा रहे हैं, तो वो लोग जो अपने ही घर से बेघर हो गए हैं वो किस तरह से वहां पर रह रही हैं, अपना सामान उन्होंने कहां पर रखा है, क्या कोई सुविधा उन्हें दी जा रही है? बिल्कुल, देखिए कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर जो है घरों के अंदर तक जो है कई कई फुट पानी गिर वो जो है पानी जा चुका है, ऐसे में जो उनका सारा सामान खराब हो चुका है। तो वहां पर जो है कुछ जगह हैं, कई गांव में देखा गया कि सरकारी स्कूलों में जो है लोग रहने को मजबूर हैं, कुछ जगह जो है गुरुद्वारों के अंदर रहने को मजबूर है, और ऐसे में जो है प्रशासन की ओर से लगातार मदद उन तक पहुंचाई जा रही है, खाने पीने की सामग्री जो उन तक पहुंचाई जा रही है, क्योंकि ऐसे में जो अगर एक जगह सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो प्रशासन के लिए भी जो है कहीं ना कहीं आसानी रहती है कि एक ही जगह पर जो उनको खाने पीने का सामान पहुंचाया जा सके, और एक ही जगह पर जो उनको सभी सामान जो है एक जगह पहुंचाया जा सके। जी बिल्कुल मुकुल, आप बने रहिए क्योंकि धीरज भी लगातार जुड़े हुए हैं। धीरज आप भी बताइए, क्योंकि देखिए लोग जो हैं वो अपने ही घर से बेघर हो गए हैं, तमाम किसान जो हैं वो यहाँ पर बिल्कुल परेशान इसलिए भी हैं क्योंकि उनकी फसलें खराब हो गई हैं, जब कोई अपनी मेहनत लगातार करता रहता है और उसकी मेहनत पर पानी फिर जाता है तो उसे दुख होना बिल्कुल जाहिर सी बात है, तो वो लोग जो अपने घर से बेघर हो गए हैं उन्हें किस प्रकार से सामान पहुंचाया जा रहा है, अगर वो बेघर हो गए हैं तो वो कहाँ पर रह रहे हैं? बिल्कुल साधना जी, सामान की बात करें तो जिन घरों में पानी भरा है उनका सामान लगभग
खराब हो चुका है। अपनी जरूरत, डेली रूटीन की जो जरूरत, कपड़े जैसे छोटे मोटे सामान लेकर वो मंदिरों और जो सरकारी स्कूल हैं जिन गांव में पानी नहीं है उन सरकारी स्कूलों में उन्होंने आश्रय लिया हुआ है। हालांकि उनके सामान को नहीं लाया जा रहा क्योंकि इतने प्रबंध जो प्रशासन की तरफ से नहीं किए गए हैं। और इसमें एक सबसे बड़े बड़ाई का पात्र जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर छोटी छोटी संस्थाएं हैं उनको बहुत बड़ा श्रेय यहाँ पर जाता हुआ नजर आता है क्योंकि ये छोटी संस्थाएं कहीं ना कहीं इन लोगों का खाना पहुंचाने में बहुत बड़ी एक मील का पत्थर साबित होती नजर आ रही है। संस्थाएं उन लोगों को ढूंढकर उन तक जो सामान है, खाने की सामग्री की बात करें या सूखे सामान की बात करें, उन तक पहुंचाने में कारगर साबित हो रही है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं साधना जी जिनका घरों में पानी भर गया लेकिन अपने घरों की छतों को वो छोड़ने को तैयार नहीं है क्योंकि कुछ स्थिति ऐसी भी नजर आई है कि घरों को खाली करने के बाद उनके घरों में चोरियां जैसी वारदातें भी यहां पर होती हुई नजर आई हैं। तो कहीं ना कहीं अपने घर में चोरी होने के डर से भी कुछ लोग अपने घर पर ही पनाह ले रहे हैं, अपने घर की छतों पर ही पनाह ले रहे हैं कि कहीं पीछे से उनका घर खंगाल ना दिया जाए। और हालांकि जो छोटी संस्थाएं हैं वो लोगों को जो बाढ़ पीड़ित है उनको कहीं ना कहीं बड़ी सहायता देते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि दो दिन पहले जो स्थानीय विधायक है नेमपाल रावत उन्होंने भी सूखी सामग्री तमाम जो बाढ़ग्रस्त जो लोग हैं जिन्होंने जो शरणार्थी स्कूलों और मंदिरों में शरण लिया उनको सूखा राशन बांटते हुए नजर आए थे। जी बिल्कुल धीरज, बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए और जानकारी देने के लिए। मुकुल आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए और तस्वीर दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए अब हरियाणा में अगले चार दिन तक एक्टिव रहेगा मॉनसून। हालांकि जब हमने मौसम विशेषज्ञ से बातचीत की यानी कि डॉक्टर मोहन जी से बात की तो यहां पर उनका भी कहना है कि अब जो हालात फिलहाल प्रदेश में बने हुए हैं उससे ज्यादा भी खराब होने वाले हैं। यानी कि अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो घरों से बाहर बिल्कुल ना निकले, कोई जरूरी कार्य हो तो ही बाहर निकले क्योंकि स्थिति इससे भी ज्यादा खराब होने वाली है। अगर आप अपने बच्चों को बाहर भेज रही हैं तो उन्हें भी अलर्ट कर दीजिए, उन्हें भी समझाइए कि वो लोग अपने ही घरों में रहें। अब यहां पर अगले चार दिन तक एक्टिव रहने वाला है मॉनसून। तमाम किसान जो यहां पर अपनी फसल की रोपाई कर रहे थे, धान का सीजन का वक्त चल रहा था, उनकी फसल भी बिल्कुल खराब हो गई है। हालांकि अब फिलहाल लोग इसीलिए भी परेशान हैं क्योंकि स्थिति इससे भी ज्यादा खराब होने वाली है।